Dear students, in last lecture, Excel 4.2 question number 1, sub question number 2 is completed. Now, today we'll start next question number 3, find for tabular method. So, limit extends to 2, 2x square plus 3x minus 14 divided by x minus 2. So, first of all, factors possible. 2 into 14, check it, 28, okay, 28 के इसे factors निकालो, okay, जिससे answer 3 आए, 7, 4 जा 28, plus 3 लाना है, so plus 7, minus 4, your answer is 3, हम गए factors, 2 into 14, जो आपका first स्टेप है, फर्स्ट वैल्यू उसमें कोएफिशिएंट क्या है 2 एंड लास्ट जो वैल्यू उसमें 14, सो 2 इंटू 14 28 के फैक्टर्स हमने निकाले, 7 4 जा 28 प्लस 7 माइनस 3, योर आंसर इज प्लस 3, जो आपको फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में तो x माइनस 2 आई, ओके, अरेंजमेंट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 2x स्क्वायर 2 है तो माइनस 4x हम फर्स्ट राइट कर रहे हैं, माइनस 4x प्लस 7x माइनस 14 डिवाइड बाय x माइनस 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ओके 2 2 की स्क्वायर बना देते हैं, फर्स्ट टू टर्म 2x 4x यानी कि कॉमन 2x निकलेगा, here only 4x, 2x into x, 2x square, 2x into 2, so minus 2, 2 to the 4x, same to same bracket हम, both side bracket कर दें, x minus 2, हमें plus 7x right, so plus 7, 7 into x, 7x, 7 to the 14, plus minus, minus, divide by x minus 2, now next step, limit, एक्सटेंड्स टू 2, वन ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 2 हम निकालेंगे, x माइनस 2, सो अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 2, ओके x माइनस 2, x माइनस 2 कट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, 2x प्लस 7, ओके x की प्लेस पे 2 राइट करेंगे, 2 टू जा 4, 4 प्लस 7, योर आंसर इज 11, अब हम जब टेबुलर मेथड से आंसर करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, अप्रोच इज टू 11, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कॉलम ड्रॉ इट, 6 लाइन, फर्स्ट कॉलम x, f ऑफ x, x एंड लास्ट कॉलम f ऑफ x, हियर योर वैल्यू एक्सटेंड्स टू a, a की वैल्यू क्या है 2, सो नियरेस्ट वैल्यू वही 4 वैल्यू लेस करो जो मैंने आपको बताया था, 0.1, 0.01, 0.001 एंड 0.3001, बस e4 वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड लेस करो, राइट हैंड साइड ऐड कर दो, योर वैल्यू e इज इक्वल टू 2 एक्सटेंड्स टू a, तो 2 माइनस 0.1, योर आंसर 1.9, 2 माइनस 0.01, 1.99, 2 माइनस 0.001, 1.999, एंड लास्ट 2 माइनस 0.3001, 1.4 टाइम्स 9, डॉट डॉट डॉट,
जहाँ तक आपको वैल्यू लेनी हो ले सकते हो। ओके, सेम टू सेम राइट हैंड साइड ए फोर वैल्यू ऐड करेंगे 2 में, सो 2 प्लस 0.01 योर आंसर इज 2.01, 2 प्लस 0.001 2.001 एंड लास्ट 2 प्लस 0.001 सो 2.001 इन्फिनिटी तक। ओके, नाउ बोथ द वैल्यू राइट इन इक्वेशन, हियर एक्स की प्लेस पर हम राइट करेंगे, सो 2 × 1.9 यूजिंग केल्सी, सो 2 × 1.9 प्लस 7 योर आंसर इज 10.8। नेक्स्ट 1.99 × 2 + 7 1.99 × 2 + 7 योर आंसर इज 10.98। चेक इट। नाउ नेक्स्ट थर्ड वैल्यू 1.999 × 2 + 7 योर आंसर इज 10.998। नाउ नेक्स्ट 1.4 × 9 × 2 + 7 योर आंसर इज 10.9998। इस तरह से इन्फिनिटी तक वैल्यू आएंगी। सेम टू सेम राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वेशन में राइट करेंगे, 2.1 × 2 + 7 योर आंसर 11.2। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू 2.01 × 2 + 7 11.02। नेक्स्ट 2.001 × 2 + 7 11.002। लास्ट 2.001 × 2 + 7 योर आंसर 11.0002 इन्फिनिटी। मैंने बोला था आपको आप कोई भी सेम टू प्लेसेस आप ऑफ एक्स के ले लो, एडिशन डिवाइड बाय 2 योर आंसर इज 11। चेक इट, 10.998 प्लस 11.002 22/2 योर आंसर इज 11। सो आफ्टर टेबल राइट डाउन इस सेंटेंस सेम ही रहेगा क्वेश्चन में। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट When the value of x brought very near to 2, क्योंकि यहाँ पे x tends to क्या है 2, very near to 2 by increasing or decreasing its value, the value of f of x approaches to आंसर क्या है हमारा 11, सो approaches to 11 that is when extends to 2 f of x tends to 11। now last main question write down, limit extends to 2 2x² + 3x - 14/(x - 2) is equal to 11। So we are completed for the question number 3. Now next, in question number 4,
लिमिट x टेंज टू माइनस 3 टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 डिवाइड बाय x प्लस 3। लिमिट x टेंज टू माइनस 3 टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 बाय x प्लस 3। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फैक्टर इज पॉसिबल, 9 टू जा 18, ओके ओप इज एम फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, सो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। 18 के ऐसे फैक्टर निकालोगे आंसर 9 है, सो 6 त्रिजा 9, बोथ आर एडिशन, हो गया 9। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंज टू माइनस 3 टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9 डिवाइड बाय x प्लस 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंज टू माइनस 3, ओके 2 2 की स्क्वायर बना दो आप, इन फर्स्ट स्क्वायर कॉमन 2x, इन ब्रैकेट राइट डाउन x प्लस 3, 2x इनटू x, 2x स्क्वायर एंड 2x प्लस 3 6x, बिटवीन साइन प्लस, सेम ब्रैकेट राइट डाउन x प्लस 3। नेक्स्ट वैल्यू 3x फाइंड आउट, सो x इंटू 3, 3 3 9, हो गया आपका स्टेप। नाउ डिवाइड बाय x प्लस 3, न्यूमरेटर 1 ब्रैकेट इज कॉमन। नाउ लिमिट x टेंज टू माइनस 3 x प्लस 3 अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 3, ओके x प्लस 3 x प्लस 3 कट। नाउ लास्ट स्टेप, लिमिट x टेंज टू माइनस 3 2x प्लस 3, मैंने आपको बोला टेबुलर मेथड इसलिए, बाकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने तो माइनस 3 आपको राइट कर दें, सो 3 टू जा 6 माइनस 6 प्लस 3 और आंसर इज माइनस 3। टेबुलर मेथड में जो आंसर हम फाइंड करेंगे तो f ऑफ x अप्रोचेस टू माइनस 3 आएगा, क्लियर, चेक करते हैं। सो टेबल ड्राइट 6 लाइन 4 कॉलम, राइट डाउन x f ऑफ x सेम टू सेम राइट हैंड साइड x एंड f ऑफ x, ओके सो हियर योर वैल्यू ऑफ a इज माइनस 3, वही 4 वैल्यू लेस एंड ऐड करो आप, माइनस 3 माइनस 0.1, योर आंसर इज माइनस 3.1, चेक इट। नेक्स्ट माइनस 3 माइनस 0.01 माइनस 3.01, नेक्स्ट माइनस 3.001, नेक्स्ट माइनस 3.0001, चेक इट। सेम टू सेम राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ x, ऑल 4 वैल्यू प्लस एडिशन बाय माइनस 3, माइनस 3 प्लस 0.1, योर आंसर इज माइनस 2.9। नेक्स्ट माइनस 3 प्लस 0.01, योर आंसर इज माइनस 2.99। नेक्स्ट माइनस 2.999, नेक्स्ट माइनस 2.4 टाइम्स 9, इन्फिनिटी। बोथ साइड वैल्यू ऑफ x
राइट इन इक्वेशन 2x + 3 एक्स के प्लेस पे सभी वैल्यू राइट करेंगे यानी हमारा आंसर मिलेगा। सो फर्स्ट -3.1 × 2 - 6.2 + 3 यानी आपका आंसर क्या आएगा 3.2 आएगा। चेक बट क्या -3.2 चेक इट ओके -3.1 × 2 + 3 - 3.2 योर फर्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट -3.01 × 2 - 6.02 + 3 योर आंसर इज -3.02 नेक्स्ट -3.002 नेक्स्ट -3.0002 ओके चेक इट ये आंसर आएगा। उसी तरह से राइट हैंड साइड -2.9 × 2 - 5.8 + 3 यानी आपका आंसर क्या आएगा -2.8 नेक्स्ट -2.99 × 2 + 3 योर आंसर इज -2.98 नेक्स्ट आएगा -2.998 नेक्स्ट -2.998 ... चेक इट कोई भी दो प्लेस ले लो सेम बोथ द साइड तो मैं सेकेंड प्लेस ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स की एडिशन बाय टू -3.02 + -2.98 योर आंसर इज -6/2 योर आंसर -3 जो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था। सो आफ्टर टेबल सेंटेंस एज इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट when the value of x brought very near to -3 by increasing or decreasing its value, comma, the value of f of x approaches to -3 ओके यहाँ पे आपका एक्सटेंड्स टू बी -3 है एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो -3 दैट इज extends to -3 sorry that is when extends to -3 f of x also tends to -3 therefore limit extends to -3 main question write down 2x² + 9x + 9 / x + 3 is equal to -3 here completed for question number 4. Now next last question number 5 for the question 1 okay question 1 sub question number 5 write down question number 5 limit extends to 2 x
हियर कॉन्स्टेंट वैल्यू इज गिवन, कॉन्स्टेंट है, जो कोई भी वैल्यू राइट करेंगे वही उसका आंसर आएगा, एक्स के प्लेस पे टू रख दो। बट टेबुलर मेथड बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल टू राइट सिक्स लाइन फोर कॉलम, x f of x f of x, हियर x टेंस टू a, a की वैल्यू क्या है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और 4 वैल्यू लेस कर दो आप, तो क्या आएगा 1.9 1.99 1.999 and 1.4 times 9 infinity। उसी तरह राइट हैंड साइड ऐड करो तो क्या आएगा आंसर आपका 2.1 2.01 2.001 2.0001 infinity। बोथ द वैल्यू ऑफ x राइट इन इक्वेशन, यहाँ पे x यानी कि x एंड f ऑफ x बोथ आर सेम इक्वल नो चेंजेस 1.9 1.99 1.999 and 1.4 times 9 infinity, same right hand side as it is value 2.1 2.01 2.001 2.0001 infinity। कोई भी दो प्लेस ले लो आप, एडिशन बाय टू योर आंसर इज 2, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, बट आपको टेबुलर मेथड बोला था इसलिए हमें प्रूव करना था। So write down, it is clear from the table that when the value of x is brought nearer, brought very near to two by increasing or decreasing its value, comma, the value of f of x approaches to two, okay, constant yani ke approaches to two, that is when x tends to two then f of x is also tends to two, therefore limit x tends to 2, x is equal to 2. We are completed for exercise 4.2 question number 1. Now next, in question number 2. Using the tabular method so that limit x tends to 3, 2 by x minus 3 does not exit. Okay, does not exit है, बोला है, यानी कि उसका आंसर okay, does not exit ही आएगा। देखते हैं अब क्या आता है, कोई आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, कि 0 आएगा तो does not exit आपको बोला है प्रूव करने को। चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, सो डायरेक्टली टेबल ड्रॉ इट, फोर कॉलम सिक्स लाइन,
एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके यार x टेंड्स टू 3 इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज 3 वही 4 वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेस करो राइट हैंड साइड आप ऐड कर दो सो 3 माइनस 0.1 2.9 3 माइनस 0.01 सो 2.99 3 माइनस 0.001 सो 2.999 2.4 टाइम्स 9 इन्फिनिटी। उसी तरह से राइट हैंड साइड हम ऐड कर दें सो 3 प्लस 0.1 3.1 3 प्लस 0.01 3.01 3.001 3.3 टाइम्स 0 1 इन्फिनिटी। अब यही वैल्यू इक्वेशन में x की प्लेस पे राइट करनी है आपको और आंसर फाइंड करना है। अब देखो एक वर्किंग नोट की तरफ रफ वे में यूज़ कर सकते हो जिसको नहीं पता डायरेक्ट वो क्या करेंगे फर्स्ट 2 तो एज इट इज है x माइनस 3 रहेंगे 2.9 माइनस 3 करेंगे वो तो आपको पता होगा 2 तो एज इट इज रहने देंगे 2.9 माइनस 3 यानी आपका आंसर क्या आएगा माइनस 0.1। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना हो 2 by 0.1 तो आपका आंसर आएगा -20 चेक इट। ओके चेक द यूज द कैलसी सो 2 by 0.1 माइनस योर आंसर इज -20 डन। उसी तरह से सेकेंड नेक्स्ट 2.99 माइनस 3 आपका आंसर कहेंगे 2 divided by -0.01 -200। नेक्स्ट आएगा -2000 नेक्स्ट -20,000 इन्फिनिटी। क्लियर उसी तरह से राइट हैंड साइड की वैल्यूज चेक कर दें सो 3.1 माइनस 3 यानी कि 0.1 सो 2 by 0.1 योर आंसर इज 20। नाउ नेक्स्ट 3.01 माइनस 3 0.01 सो 2 by 0.01 योर आंसर इज 200। नेक्स्ट आएगा 2000 नेक्स्ट 20,000 इन्फिनिटी। आपको क्वेश्चन में बोला था डज नॉट एग्जिट कोई भी प्लेस ले लो आंसर इज 0 -2000 +2000 सॉरी यार -20 +20 -200 +200 -20,000 +20,000 आंसर इज 0 यानी कि आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो यहाँ पे क्या होता है प्रूव होता है। सो राइट डाउन आफ्टर टेबल इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट वही सेंटेंस थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स brought very near to 3 by increasing or decreasing its value। यहाँ तक तो हम वही राइट करते थे जो प्रीवियस क्वेश्चन में राइट करते थे बट यहाँ पे क्या है डज नॉट एग्जिट तो अब सेंटेंस क्या होगा द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट अप्रोच टू द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट अप्रोचेस टू पर्टिकुलर वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू में है नहीं ओके कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि आंसर क्या आ रहा हमारा जीरो आ रहा है सो नाउ दैट इज
व्हेन एक्स टेंस टू थ्री, जो हम सेंटेंस है वहाँ पे आप क्या रखेंगे, लिखेंगे f of x does not tends to particular value, okay, but f of x does not tends to particular value, कोई particular value की तरफ जाता नहीं है. So last write down main question, limit x tends to 3 2 by x minus 3 does not exit, जो आपको question में ही बोला था वही हम लिखेंगे does not exit. ओके एग्जिस्ट, तो ये कंप्लीट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड.